जितनी तारीफे नबी की शान में मौजूद है, जितनी तारीफे नबी की शान में, जितनी तारीफे नबी की शान में मौजूद है, जितनी तारीफे नबी की शान में मौजूद है। एक शेर और सुनाता हूँ, ये शेर मैं तारीख की रोशनी में पढ़ता हूँ और हो सकता है आप लोग इस शेर पे ना पहुंच पाए, लेकिन उलमाए किराम ये जरूर वहां तक पहुंचेंगे और जब ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे तो आप भी बोलिएगा। हाजिर करता हूं मौलाना फरमाए, बरकतें गी बरकतें सरकार के आने के बाद, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तमाम उलमाए किराम उस वाक्य तक पहुंच जाएंगे जहां ये शेर पढ़ने जा रहा हूं मैं, सुने। बरकतें गी बरसर खान में, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एल एफ एम हज़रात जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सुने, असल में इसकी वजह वलियों के ये दरबार है। हसन भाई और दिलबर शाही साहब, ये बहुत बड़े नाम है दो हिंदुस्तान के जो मिंबर पर मेरी पुश्त पनाही कर रहे हैं, इन हजरात की खास तवज्जो चाहता हूँ। सुनिएगा, बहुत सारी कोशिशें पहले भी हुई है और अब भी हो रही हैं और होंगी भी। इस्लाम नारा तकबीर, जरा एक बार सब लोग मिलकर नारा लगा लें, इसलिए कि पहली बार इस इलाके में जो आया है खतीब वो कोई मामूली खतीब नहीं है। अजीम शान जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्वी रजा साहब कुबला मिसबाही मिंबर नूर पे पहली बार इस इलाके में आए हुए हैं। आइए दिखाइए कि झारखंड के लोग अपने मेहमान का कैसे इस्तकबाल करते हैं। जरा दोनों हाथों को उठा लें आप, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत दारुल गौसे आजम। असल में इसकी वजह वलियों के ये दरबार है, जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में मौजूद है। एक आखिरी शेर इस कलाम का, जरा हाथों को उठाने बोल दे या अली, और जोर से और जोर से शेर सुने। है बुलंद सलाम का परचम बड़ी ही शान से, है बुलंद सलाम का परचम बड़ी ही शान से, है बुलंद सलाम का परचम बड़ी ही शान से, हजरत शेरे खुदा मैदान में मौजूद है, हजरत शेरे खुदा मैदान में।